तो दोस्तों यार, रोटावेटर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। रोटावेटर में आपने डिस्क भी लगा देखा होगा, लेकिन आप रोटावेटर को देख के और डिस्क को देख के आपके मन में ये विचार तो नहीं आता होगा यार कि ये डिस्क क्यों लगा है। क्योंकि 100 में से 99% लोगों का ये मानना होता है कि यार ये जो साइड डिस्क लगी हुई है, ये जो है साइड का जो बाउंड्री वॉल होता है खेत का, जिसको लोग मेड़ भी बोलते हैं, तो उसको काटने या फिर उसकी सफाई करने के लिए होता है। लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा यार कि उसका क्या काम होता है, रोटावेटर में उसका लगा होना क्यों जरूरी है, और अगर आपको नहीं लगवाया है आपने तो उसको लगवा लीजिए, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वर्क है यार। कहीं कहीं रोटावेटर में आपने देखा होगा वो दोनों तरफ डिस्क लगा होता है, तो जो दोनों तरफ डिस्क लगवाते हैं वो लोग जानकार होते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते, जानकार होते हैं। क्योंकि यार जो रोटावेटर में दोनों तरफ साइड डिस्क लगवाए होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स है। तो आज आपको मैं उसी के बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है SK और आप देख रहे हैं एग्रीटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से 99% लोग यार जब रोटावेटर में साइड डिस्क को लगा हुआ देखते हैं तो उनके मन में यही विचार आता है कि यार ये जो साइड डिस्क, यानी जिसको तावा भी देसी भाषा में लोग बोलते हैं, ये जो साइड डिस्क या तावा लगा हुआ है, इसका काम सिर्फ वो जो खेत की जो बाउंड्री वॉल होती है, जिसको मेड़ भी कहा जाता है, वो उसी को काटने का काम करता है यार। क्योंकि कई बार मैंने झगड़ा होते हुए देखा है कि भैया मेरी मेड़ काट दिया आपने, उनकी काट दिया। ऐसा नहीं है यार दोस्तों, उसका काम ये तो है ही, ये तो उसका साइड रोल है। साइड रोल का मतलब यार नाम मात्र का काम इसलिए कह लें कि यार वो जो आपके बाउंड्री पे जो घास जमी हुई है उसको उसका साफ करना, वो उसका काम नहीं है। करता है, ऐसा नहीं है कि करता नहीं है, लेकिन काम वो उसका प्रॉपरली काम वो नहीं है। उसका मेन काम ये है यार कि अगर आपका रोटावेटर, आप कभी देखते होंगे कि रोटावेटर आप आगे चलाते जाते हैं, पीछे जो है रोटावेटर के साइड साइड में आपको छोटी छोटी बाउंड्री वॉल मिलती है, जो लाइन टाइप के एकदम बनी होती है। उस लाइन का बना होना यानी आपके रोटावेटर में साइड डिस्क का नहीं लगा हुआ है। अगर आपने रोटावेटर में साइड डिस्क लगाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से लगाया है, तो आप पूरे खेत की जुताई करके निकल आएंगे, आपको कहीं भी खेत में लाइन नहीं दिखेगी। क्योंकि यार रोटावेटर का जो साइड डिस्क लगा होता है वो उसका काम ही वही होता है कि आप पहली बार जुताई जब करते हुए जाएंगे तो वो लाइन बनाते हुए जाएगा। वो कोई भी रोटावेटर हो, चाहे शक्तिमान का हो या फिर महिंद्रा का हो या सोनालिका का हो या गरुड़ का हो या XYZ, चाहे जितनी भी कंपनियां हैं, वो पहली बार में लाइन बनाती हुई जाएंगी। लेकिन जब दोबारा आप उसके बगल से जब रोटावेटर को चलाएंगे तो जो उसका वो तावा आपका लगा होता है, यानी साइड डिस्क जो लगा होता है, वो इसीलिए ऐसे एंगल पर लगा होता है, तिरछे एंगल पर, कि वो उस मेड़ारी को अपने अंदर लेता हुआ जाए, मिलाता हुआ जाए, ताकि आपके खेत की जो जुताई हो बिल्कुल फिनिश हो, एकदम आपको फिनिशिंग मिले, अच्छी फिनिशिंग मिले, कहीं से ना आपको कोई लाइन मिले ना कोई गड्ढा मिले। उसका मेन काम वही है। अगर वो आपने रोटावेटर में नहीं लगवाया है यार, तो प्लीज़ आप लगवा लीजिए। और अगर आप नया रोटावेटर लेने जा रहे हैं यार, तो साइड डिस्क लगवाना मत भूलिएगा। आप अगर ये सोचते हो कि यार साइड डिस्क का काम मेड़ काटना या खेत काटना है, तो यार ये आप भाई चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो ट्रैक्टर का काम खेत जोतना है, लेकिन यार बालू ढोने का काम लोग करते हैं ना। अब आपको डिपेंड करना है कि भाई आप क्या काम लेना चाहते हैं उससे। लेकिन उसका मेनली जो कंपनी का बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि यार आप रोटावेटर से जुताई करिए तो आपको एकदम जुताई फिनिश एकदम मिले, एकदम मतलब सपाट जुताई मिले, कोई भी मेड़, कोई भी नारी या फिर कोई भी ऐसी समस्या ना आए आपको खेत में, जिससे आपको लगे यार कि यार रोटावेटर से जुताई करने में या फिर दिक्कत है। तो प्लीज़ यार आप उसको लगवाइएगा ज़रूर यार। ये आपको एक बात मैं इसमें और बताना चाहूँगा यार, ये कंपनी का स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का मतलब ये है कि जैसे कई कंपनियां हैं, जैसे शक्तिमान है, सोनालिका हो गई और आपकी मैसियो हो गई, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी हैं, वो यार रोटावेटर के साथ साइड डिस्क नहीं देती हैं। ये आप अपने दिमाग में मत रखिएगा कि साइड डिस्क साथ में आता है। साइड डिस्क जो होता है वो यार एक्स्ट्रा इक्विपमेंट होता है, वो आपको लगवाना पड़ता है। उसके लिए कई कंपनियों में 2500-3000, कई कंपनियों में 5000 तक भी देना पड़ता है। तो यार 2000-5000 के चक्कर में आप ऐसा मत करिएगा, आप साइड डिस्क ज़रूर लगवाइए। अब बताते हैं यार आपको दोस्तों, यार आपने कहीं कहीं देखा होगा कि दो दो साइड डिस्क लगा होता है, लेफ्ट में भी साइड डिस्क लगा होता है और राइट में भी साइड डिस्क लगा होता है, तो उसका क्या फ़ायदा है? या दोस्तों, जो लेफ्ट में भी लगा हुआ है और राइट में भी लगा हुआ, उसका भी यही फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि वो आपका रोटावेटर जो जुताई जितनी एरिया की करेगा,
ना पहली बार ना दूसरी बार, वो पहली बार से ही एकदम फिनिश जुताई करता हुआ जाएगा। ना कोई लाइन बनेगी, ना ही कोई आपको कोई दिक्कत आएगी, ना मतलब कहीं आपका छूटेगा कि यहाँ जुताई नहीं हुई, ये उसका काम है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक खास बात, मैंने यार दो टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, जिसमें एक है रोटावेटर रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो रोटावेटर का रिपेयर करने का नॉलेज रखते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा ग्रुप है यार, उसमें जिनको रिपेयर करवाना है, मतलब जिनको रोटावेटर रिपेयर करवाना है उनके लिए वो दूसरा वाला ग्रुप है, तो वो दूसरे ग्रुप का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास आप सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर भविष्य में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी यार तो आपके एरिया के ही अच्छे सर्विस इंजीनियर मैकेनिक को मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा। और ये इसमें आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, या अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में जाके यार ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की कुछ नए वीडियो के साथ, जो आपको इन्फॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और जानकारी देते हों। तब तक के लिए नमस्कार।